कच्चा चिट्ठा में आज बात उस खबर से शुरू करेंगे जिसने पुतिन को गाजा में जंग के लिए आखिरकार मजबूर कर दिया। अगर अगले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिम एशिया की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गाजा और सीरिया पर और हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बंद करो गाजा में कदम, पुतिन की जंगी धमकी। गाजा युद्ध में लगभग 15,000 मौतें होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भयानक खून खराबा करने पर उतारू हैं। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर सीज फायर को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से सीधा हमला किया है। लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन करके रख दिया है। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा में खूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएंगे। नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है उसने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है। जरा देखिए पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्ध इजरायली सेना के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इसराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा। पुतिन ने हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साफ कहा है कि इसराइल जिस तरह से सीज फायर की आड़ में गाजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है उसकी वजह से अब फिलिस्तीन इजरायली संघर्ष तीव्र वृद्धि की ओर बढ़ चुका है। पुतिन ने अपनी चेतावनी में यह खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तौर पर इजरायल के खिलाफ जंग में उतरेगी या फिर रूस ईरान और लेबनान के जरिए इजरायल पर बड़ा हमला करवाएगा। खबर यह भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डों पर इजरायल के खिलाफ युद्ध की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि पुतिन ने इसराइल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को ने ईरान, सीरिया और लेबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है। Кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? अब आप ये भी जान लीजिए कि जब से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ है तब से उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है। मिडल ईस्ट और रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक इसराइल ने पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीज फायर के दौरान ही जबरदस्त हमले में मार डाला है। अब सवाल उठता है कि जब सीज फायर है तो फिर इसराइल डंके की चोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडरशिप से जुड़े नेताओं को क्यों मार रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिनबेत के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है जो हमास के हमलों को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है
कि जैसे ही सीज फायर हुआ, हमास के टॉप कमांडर आगे के हमलों को लेकर मूवमेंट करने लगे, जिसकी भनक मोसाद और शिन बेत को लग गई। और फिर इसराइल की आईडीएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर इन्हें मार डाला। यही नुकसान हमास पर बेहद भारी पड़ रहा है, जिसके खिलाफ अब पुतिन ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर सीज फायर के दौरान गाजा या फिर सीरिया पर हमले तेज किए तो फिर ये युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा और रूस चुप रहकर तमाशा बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि सीज फायर के दौरान हमास का कौन सा बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है। हमास के दो टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने इस तरह से मारा है कि यही नहीं पता चल पाया कि उन्हें सीज फायर के दौरान मारा गया या फिर पहले मारा गया। हमास ने खुद 26 नवंबर को पुष्टि की है कि हमास के उत्तरी ब्रिगेड के दो कमांडर मारे गए। हमास के मुताबिक आईडीएफ ने उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर अहमद अल घंडौर को हवाई हमले में मार डाला है। इससे पहले आईडीएफ ने हमास के कमांडर अहमद अल घंडौर को मारने की 3 बार कोशिश की थी। इसके अलावा हमास के उत्तरी ब्रिगेड में रॉकेट डिवीजन के कमांडर आयमान सियाम को भी आईडीएफ मार चुकी है। हमास के मिलिट्री विंग के मुताबिक हमास के कुल 5 सबसे टॉप अधिकारी मारे गए हैं। दावों के मुताबिक ये सभी टॉप कमांडर युद्ध विराम शुरू होने से मारे गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स ने हमास के 5 कमांडर्स की टारगेट किलिंग की है। सीज फायर तोड़ा तो तोड़ देंगे इजराइल। हमास के 70 से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें से 15 बेहद माहिर और दिग्गज कमांडर्स थे। लेकिन जिस तरह से सीज फायर की आड़ में इजरायली सेना ने गाजा में गदर मचाया है, उसे लेकर पुतिन बेहद एक्टिव है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी से पुतिन की नजदीकियों ने इसराइल के खिलाफ नई मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहीं सीरिया के प्रमुख असद से पुतिन की पुरानी और गहरी दोस्ती ने इसराइल को गाजा से लेकर सीरिया तक मुसीबत में डाल दिया है। सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी के दावों के मुताबिक पिछले 18 घंटे में दक्षिण पश्चिम सीरिया में इजरायली हवाई हमलों में सीरिया के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। दावों के मुताबिक सीरिया में हुई इजरायली हमले में उसके 8 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 7 घायल हुए हैं। सीरिया में इजरायल का हवाई हमला सीरिया के दक्षिण पश्चिमी शहर दारा के पास सैन्य ठिकानों पर हुआ है, जिसे लेकर पुतिन बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसलिए उन्होंने इजरायल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा और सीरिया में इजरायली हमले इसी तरह से दोबारा हुए तो जंग बहुत भयानक हो जाएगी। אני מבקר פה עכשיו ביחידה של אמ"ן, היא עושה עבודת קודש, חושפת הרבה מאוד, ומה שאנחנו רואים זה דבר מדהים. אנחנו רואים בעצם שהתושבים, האזרחים בעזה למעלה, מגנים על כל הטרוריסטים למטה. הם בנו עיר תת-קרקעית להגן על עצמם, והם מקריבים את האזרחים למעלה. זה בדיוק הפוך מצבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל זה חיילים שמגנים על אזרחים, פה זה אזרחים שמגנים על... इधर हमास के द्वारा बंधकों की रिहाई के दौरान एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। रूस को अपना सबसे वफादार दोस्त मानने वाले हमास ने रूसी बंधकों को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पुतिन के कद को दुनिया भर में काफी ऊंचा कर दिया है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने दावे के साथ ऐलान किया है कि हम रूस और राष्ट्रपति पुतिन का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए गाजा में बंधक रूसी नागरिकों को हमास बिना शर्त रिहा करने जा रहा है। हमास के टॉप लीडर ने पुतिन को सम्मान देते हुए बयान दिया है कि रूसी बंधकों को रिहा करके हमास पुतिन को सच्चे दोस्त होने का सम्मान दे रहा है। इधर कतर, मिस्र और अमेरिका ने मिलकर इसराइल और हमास के बीच सीज फायर तो करा दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि नेतन्याहू और इसराइल के कमांडरों ने साफ कह दिया है कि सीज फायर ना तो इसराइल के बदले को रोक पाएगा और ना ही इसराइली हमलों को। हम हमास का पूरी दुनिया से खात्मा कर देंगे। इधर कुछ मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनकी संख्या 1967 में इसराइल अरब युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है।
दावा तो यहां तक किया गया है कि 1,20,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। अब ऐसे हालात में दावे किए जा रहे हैं कि रूस गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली हमलों को काउंटर करने का मन बना चुका है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने अकेले दम पर नेटो और अमेरिका को थका डाला है और यूक्रेन पुतिन से जंग लगभग हार चुका है। अब ऐसे हालात में पुतिन का हौसला सातवें आसमान पर है, इसलिए वो गाजा से लेकर सीरिया तक इजरायली सेना को मटिया मेट करने की तैयारी में जुट चुके हैं। गाजा की आग अमेरिका तक पहुंच गई है और अब अमेरिका में 40 करोड़ बंदूक बड़ा खतरा बन गई। अमेरिका में करीब करीब हर नागरिक के पास बंदूक है। अमेरिका में अब गाजा को लेकर ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिससे जो बाइडेन को यह लगने लगा है कि कहीं हमास का अगला हमला अमेरिका में ना बन जाए। गाजा पट्टी के अंदर अब तक 4 करोड़ किलोग्राम बम बरसाए जा चुके हैं। पूरा गाजा पट्टी जलकर राख हो चुका है, लेकिन इस आग ने अमेरिका के सामाजिक ताने बाने को भी जलाकर राख कर दिया है। सात अक्टूबर के बाद, यानी जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया, उसके बाद से लगातार अमेरिका के अंदर ऐसी खूनी वारदातें हो रही हैं, जिसमें शिकार कभी यहूदी हो रही हैं तो कभी फिलिस्तीन। अमेरिका की आबादी 32,64,00,000 है, लेकिन अमेरिका के अंदर आम लोगों के पास 40 करोड़ बंदूकें हैं, यानी अमेरिका में तकरीबन हर नागरिक के पास कम से कम एक बंदूक अवश्य है। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका के अंदर सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है तो जो बाइडेन के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। ताजा खबर अमेरिका के वर्लिंगटन से है, जहां पर एक अमेरिकी नागरिक ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी है। इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में फिलिस्तीन बनाम गैर फिलिस्तीन तनाव को भड़का दिया है। बर्लिंगटन में एक अमेरिकी नागरिक ने हिशाम और अतानी, तहसीन अहमद और किन्नान अब्दुल हमीद पर वर्मोंट विश्वविद्यालय के पास हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार यहूदी पुजारियों, यहूदी नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में हैं। वो लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और बयान भी जारी कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिका में किस तरह फिलिस्तीनियों को गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा है आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के हालिया घटनाओं का पूरा विवरण देते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका भी अब गाजा की आंख से बच नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका की ही हैं, जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का नमाज़े जनाजा पढ़ा जा रहा है। ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिका के नागरिक के यहाँ किराए पर अपनी माँ के साथ रह रहा था, लेकिन इस बच्चे को 71 साल के एक बुजुर्ग ने चाकू से 26 वार करके मार डाला। इस बच्चे के परिवार जनों ने रोते हुए अमेरिका की सरकार से प्रार्थना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है उसको अमेरिका में शिफ्ट ना किया जाए। I just want to talk the whole world that we live in a country called the USA. We're not in war. And we're not bringing war here too. What happened that day for a gentleman that he loved that kid to start with. He used to bring him toys. Now I want to ask anybody here,
a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid, stabbing him more than 26 times, and he was looking in his eyes. You tell me, is that exaggeration? You tell me what type of man he can do that. इस तरह के वाद विवाद का बहुत बुरा असर इस वक्त अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका में लगातार सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर यहूदियों और मुसलमानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका के डेट्रॉयट में सिनेगॉग चलाने वाली एक यहूदी महिला नेता की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई। इतना ही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ एक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अंदर यहूदी बच्चे छुपे हुए थे और बाहर फिलिस्तीन के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान एक महिला को ऐसा पोस्टर लिए दिखाया गया जिसमें यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने जैसा संदेश दिया गया था। अमेरिका के अंदर लगातार हो रहा कत्लेआम और एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे लोग ये बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका किस तरह तलवार की धार पर चल रहा है। बर्लिंगटन का केस अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। जिस वक्त इन तीनों फिलिस्तीनियों को गोली मारी गई, ये तीनों अरबी बोल रहे थे और इनमें से दो ने फिलिस्तीनी काफिया पहना हुआ था। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा कपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चिक होते हैं। फिलिस्तीन का आंदोलन करने वाले बड़े नेता यासिर अराफात अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और ये फिलिस्तीनी काफिया एक तरह से यासिर अराफात की पहचान बन गया था। एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करने के लिए फिलिस्तीनी काफिया पहना था। ठीक ऐसा ही काफिया दो फिलिस्तीनियों ने भी पहना हुआ था जिन पर गोलियां चली हैं। इसका मतलब साफ है कि गोली मारने वाले शख्स अमेरिका के नागरिक जेसन जे ईटन ने ये जानते हुए इन्हें गोली मारी कि ये फिलिस्तीन लिस्ट एनी मूल के नागरिक है। We have a lot more to do, however. Even with this arrest, we are still working. There is more investigation to be done, and that includes trying to determine motive. We still do not know as much as we want to know. But I would urge the public and you in the media to avoid making conclusions based on statements from people who know even less than we currently do. We are working hard to find out this information, and we are nowhere near the end of this investigation. जेसन जे ईटन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर केस चलाया जा रहा है। अमेरिका की पुलिस लगातार जेसन जो ईटन के बैकग्राउंड को तलाश रही है। करीब 50 साल का जेसन एक किसान है और मुख्य तौर पर उसका पेशा खेतीबाड़ी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और वो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अमेरिका के नेताओं के खिलाफ कई टिप्पणियां कर चुका है। अहम बात यह भी है कि जहां पर जेसन ने तीन फिलिस्तीनियों को गोली मारी है वो जगह उसके अपार्टमेंट के पास ही है। जहां ये तीनों फिलिस्तीनी पढ़ते हैं वो जगह भी अपार्टमेंट के पास है। क्या ये इलाका फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन से प्रभावित रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है। हमास के कमांडर याहया सिनवार ने इसराइल को फिर से डरा दिया है। सिनवार ने इसराइल की भाषा में ऐसी बात कह दी कि बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत टेंशन में है। दरअसल बंधकों की रिहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इसराइल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इसराइल को 60 बार हरा भी दिया है। सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इजराइल राजी हुए तो गाजा में तैनात इजरायली सेना के टैंक और तोपों ने बमबारी कर दी। शेख रद्वान इलाके में धमाके हुए और दहशत फैल गई कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है। इजराइल फिर टनों टन बम गाजा पर गिराएगा, फिर इमारतें ढहती जाएंगी और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा जिसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है युद्ध बाकी है
और गाजा की तबाही जारी रहेगी। यानी सीज फायर की उम्र ज्यादा नहीं है और अब शेख रद्वान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर टूट गया है, युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन हमास को इसका डर नहीं, हमास के कमांडर को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि इजराइल की मीडिया में जो खबरें छाई उसने याया सिनवार का खौफ एक बार फिर पूरे इजराइल में फैला दिया है, क्योंकि याया सिनवार को लेकर जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। ये खबर सुरंग से आई है जहां हमास पूरी तरह एक्टिव है। ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है, वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है, और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने बताया कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे, तब एक दिन अचानक सुरंग का दरवाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिनवार बताया जा रहा है। वो व्यक्ति इजराइल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहाँ हमास के कब्जे में महफूज हो, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसकी हिब्रू भाषा बोलने का लहजा बिल्कुल एक इजरायली व्यक्ति की तरह था। शुरू में उन्हें लगा कि इजराइल का कोई शख्स उनसे बात कर रहा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह हमास का कमांडर याया सिनवार ही है। खुना हत्सालित ओवेदत बिमला उत्समा इखिया सिनवार मितखबे बबुंकर शलो वनतन लमफकदे असदे शलो अटेररिस्टिम लमूत बशतह एचलनो अमफकदिम ओलखिम बरोश अकोह מובילים קדימה, מביאים להישגים ומנהיגים את הכוחות. याया सिनवार अब इजराइल के सिर पर चढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सिनवार की छाप पड़ी हुई है। हमास का एक एक हमला याया सिनवार की सरपरस्ती में हो रहा है, ये बात इजराइल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीज फायर रहेगा या फिर नहीं, इसका हमास को खत्म करने के उनके एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही बता चुके हैं कि इजराइल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים ואני חוזר ואומר את זה לכם אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. यानी हमास का पक्का इलाज होगा, हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं। गाजा में सीज फायर करके इजराइल को वक्त मिला, उसकी सेना को वक्त मिला, हमास को भी वक्त मिला, दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जुटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनाक बनाया जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा चैलेंज याया सिनवार बन चुका है। याया सिनवार जब तक जिंदा है नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते। नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाकात करके उनसे सीधे बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सिनवार जिंदा है। याया सिनवार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है। याया सिनवार बता रहा है कि इजराइल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिंदा है। यही बात इजराइल को बहुत परेशान कर रही है।
याया सिनवार के ऑर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। सिनवार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इजराइल नाकाम ही साबित हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसके लिए इजराइल को सीज फायर करना पड़ा, यानी उसका युद्ध और बमबारी काम नहीं आया, वो फेल हो गया। दूसरा मकसद, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה, בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי. חמאס ואייסיס זה אותו דבר, ויחיא סנואר זה אוסמה בן לאדן החדש. इसमें कोई शक नहीं कि याया सिनवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टरमाइंड है। उसी ने साजिश रची, उसी ने टारगेट चुना और अब वही गाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है, उसने इजराइल को भी बड़े झटके दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है। ועם ישראל גם מנצח בזכותכם, בזכותכם, תודה לכם. बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा। फिर हमास के पास न बचने का रास्ता होगा न भागने का। गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। इजराइल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इजराइल को माना जाता है, उसके मुताबिक नतीजे तो इजराइल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवि को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। सीज फायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे की लड़ाई जैसी भी होगी उसे लेकर इजराइल के ऊपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा, क्योंकि बहुत से बंधक, खासकर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है। इसलिए इजराइल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है।